बल्कि पूरे देश की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बहुत ऊंचा है। उनके रहते किसी और नेता या युवा नेता के लिए जगह बन पाना, प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में स्थान बन पाना नामुमकिन था। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज की एक खास रिपोर्ट, राजनीति अभिजात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ के सामने पूरा राजनीतिक करियर है। उसी तरह कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के बेटे और मध्य प्रदेश में मंत्री जयवर्धन सिंह को भी कांग्रेस की राजनीति में अपने लिए स्थान बनाना है और इसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को बाहर का रास्ता दिखाना कितना जरूरी था और इसके लिए क्या क्या किया गया, आइए आपको बताते हैं। सिंधिया का यूं चले जाना कोई उनका अकेले का मन नहीं था। उनकी नाराजगी बढ़ी या उनकी नाराजगी बढ़ाई गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने के लिए जबरदस्त मेहनत की, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। बहाना बनाया गया कि राज्य में कांग्रेस के पास मामूली बहुमत है। ऐसे में कमलनाथ के मैनेजमेंट के बिना, कमलनाथ के पैसों के बिना प्रदेश नहीं चलेगा। सिंधिया खून का घूंट पी कर रहे हैं। सिंधिया ने प्रदेश अध्यक्ष बनने की मंशा जताई, उसे नकार दिया गया और एक व्यक्ति पर एक पद के सिद्धांत को भी दरकिनार करते हुए कमलनाथ ने मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष का पद भी अपने ही पास रखा। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा में जाने की इच्छा जाहिर की तो दिग्विजय सिंह सामने आ गए। उन्होंने सीट पर पहली वरीयता के आधार पर अपना दावा पेश कर दिया। कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और शायद खुद सोनिया गांधी भी नहीं चाहती कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बने, क्योंकि सिंधिया में राहुल गांधी से भी ज्यादा काबिलियत है और ये वो खुद भी भली भांति जानती है। दिग्विजय सिंह पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुके हैं। दिग्विजय सिंह ने पहले भी कमलनाथ के साथ लॉबिंग करके सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर आसीन नहीं होने दिया। ज्योतिरादित्य की मांगे ज्यादा नहीं थी, बस उनका अधिकार था। मध्य प्रदेश में उन्होंने महाराजा की औपचारिकता छोड़कर जमीनी स्तर पर काम किया, लोगों के बीच गए, उनकी तकलीफें सुनी। उनके सामने मौका भी था, लेकिन उनके सामने से हर मौका छीन लिया। क्यों उनकी नाराजगी बढ़ाई गई, क्यों सोनिया गांधी उनसे नहीं मिली? राहुल गांधी के सबसे अच्छे मित्र सिंधिया से किसी ने बात ही नहीं की, किसी ने उन्हें मनाया ही नहीं। सोनिया गांधी ने उन्हें मुलाकात का समय तक नहीं दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस में अपनी वास्तविक स्थिति का आभास तभी हो गया जब वे लगातार कोशिश करते रहे मगर सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं कर पाए। जब उन्होंने अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट से अपने आगे से कांग्रेस हटा लिया, लेकिन आलाकमान ने उनसे इस पर भी चर्चा नहीं की और आलाकमान से उनको दूर करने में सबसे बड़ी भूमिका थी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश की सरकार में सिंधिया समर्थक विधायकों और मंत्रियों के सामने कई बार मुश्किलें खड़ी की। चुनाव में सिंधिया कांग्रेस का वचन पत्र लेकर जनता के बीच गए थे, जिसकी खुलकर लगातार उपेक्षा की जाने लगी। सिंधिया ने इसे लेकर सड़क पर धरना देने की धमकी दे डाली। वो बार बार ट्विटर से कहते रहे कि सरकार काम नहीं कर रही, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने इस पर चुप्पी साध ली। आपको बता दें कि सिंधिया का गुस्सा एक दिन में नहीं उबला, ये 20 दिनों से परवान चढ़ रहा था। इसके पहले एक साल से वो नाराज थे। कांग्रेस संगठन को इस बारे में लगातार संकेत देते रहे, लेकिन सब मौन थे। इसलिए सिंधिया ने भाजपा में जाने के लिए अपना मन पक्का कर लिया। नवंबर 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से सिंधिया लगातार इसके बारे में संकेत देते रहे, लेकिन उन्हें मनाने की कोशिश
कभी की ही नहीं गई। कांग्रेस के आला कमान ने सोचा कि आखिर सिंधिया कांग्रेस छोड़कर जाएंगे तो कहां जाएंगे। सिंधिया पार्टी में कमजोर पड़े तो उनके समर्थक विधायक और अन्य कार्यकर्ता कांग्रेस की ही सरकार में उपेक्षा महसूस करते रहे। लेकिन दिग्विजय और कमलनाथ के सामने था अपने अपने बेटों का करियर, क्योंकि इतने बड़े कद के सामने इनके बेटों का भविष्य तो खतरे में ही था। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों बढ़ती उम्र के सामने थकने लगे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पीढ़ीगत बदलाव के दौर से गुजर रही है। ऐसे में सिंधिया युवा नेताओं में सत्ता पाने के स्वाभाविक दावेदार थे। नकुल और जयवर्धन का नंबर उनके तो बहुत बाद आता है। जितनी लोकप्रियता उनकी है उतनी ना जयवर्धन की है ना नकुल। लेकिन दिग्विजय और कमलनाथ ने सिंधिया को सुई की नोक भर जमीन देने की भी कोशिश नहीं की। इसके पीछे वजह थी कि दिग्विजय सिंह अपने बेटे जयवर्धन को कमलनाथ सरकार में मंत्री बनवा चुके थे। उधर कमलनाथ ने अपने बेटे नकुलनाथ को छिंदवाड़ा की परंपरागत सीट से सांसद बनवा दिया। लेकिन दोनों की राजनीतिक ट्रेनिंग अभी बाकी है। ऐसे में सिंधिया के सामने नकुल और जयवर्धन बहुत कच्चे खिलाड़ी हैं। इसलिए ज्योतिरादित्य का चला जाना है उन दोनों की भलाई के लिए जरूरी था, वरना सिंधिया के कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश की राजनीति में आने के बाद दिग्गी और कमलनाथ के बेटों नकुल और जयवर्धन की राजनीति का गर्त में जाना तय था। अगर बात की जाए सेंट्रल गवर्नमेंट की, अगर बात की जाए सोनिया गांधी की, तो सोनिया गांधी ने क्यों ज्योतिरादित्य को नहीं रोका? माधवराव सिंधिया की तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद और उनके प्रशंसक दिन दुगने रात चौगने बढ़ने लगे। उनके काम से जनता प्रभावित थी। कहीं ना कहीं सोनिया गांधी डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि नाराज लोग जो गांधी परिवार को अपना नेता नहीं मानना चाहते, वो कहीं प्रधानमंत्री पद के दावेदार इन्हें ना समझे। इसलिए सोनिया गांधी स्वयं चाहती थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चले जाए। सिंधिया को मनाने की एक भी कोशिश नहीं की राहुल गांधी ने, लेकिन उनके जाने के बाद कहा कि वे भटक गए। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि ये विचारों का अंतर है, उन्हें पद चाहिए था और इसलिए वो चले गए। अपने सबसे अच्छे मित्र, जिनके लिए राहुल गांधी ने कहा है कि वो कभी भी मेरे घर आ जा सकते थे, आखिर उनसे राहुल गांधी ने बात क्यों नहीं? जब हम इतिहास की बात कर ही रहे हैं तो ये भी बता दें कि दिग्विजय सिंह ने माधव राव सिंधिया पर भी कुछ इसी तरह वार किया था। जब दिग्विजय सत्ता पाना चाहते थे, ठीक यही उन्होंने माधव राव सिंधिया के साथ किया। अब वैसा ही इतिहास दोहराया है ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ। ये लड़ाई है सियासत की, ये घरानों की लड़ाई है, राजा और महाराजा की लड़ाई है। लेकिन इस लड़ाई में सबसे ज्यादा परेशान कौन होगा? इस लड़ाई में किसकी जीत किसकी हार? लेकिन इस लड़ाई का अंत, कांग्रेस ने एक ऐसा चेहरा खो दिया जो आने वाले समय में कांग्रेस को बड़ी जीत दिलवा सकता था।